हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे चैनल गर्डी कर्ली में। मेरा नाम रश्मि है और आज मैंने ये करवा चौथ मेकअप लुक को क्रिएट किया है और इसको मैंने येलो एंड रेड कॉम्बिनेशन के एक सारा सूट के साथ पेयर अप कर रखा है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और बहुत ही सुंदर सूट है एंड बहुत ही सुंदर ये मेकअप लुक आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मॉइस्चराइज कर रखा है अपने फेस को और अब मैं प्राइमर लगाऊंगी। तो आज मैं प्राइमर के लिए ये मैक का यूज़ कर रही हूँ। प्लस प्राइमर है तो ये आपका एक तो मेकअप फिक्सर का काम करता है एंड सेकंड आपका ये प्राइमर का काम करता है। तो आज इसी को मैं 2 in 1 यूज़ करूँगी। और इसको लगाने के बाद 1 से 2 मिनट इसको सूखने का टाइम देना पड़ेगा जिससे अच्छे से सूख जाए और फेस पे फिक्स हो जाए। जिसको टाइम देती हूँ। ये देखिए प्राइमर बिल्कुल सा फेस में फिक्स हो चुका है। तो इसके बाद ये मैं की स्टोव क्रीम यूज़ करूँगी और जाहिर सी बात है कि आपका करवा चौथ लुक है तो ग्लो तो बनता है और जितना हो सके उतना बनता है। तो बस इसी को मैं लेकर के ईजली अपने फेस पे डैब डैब करके रख कर लूँगी। और इसके बाद सिंपल जैसा आप अपना क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं बस उसी तरह से आपको अपने फेस पे मिला लेना है और बहुत ही अच्छा सा ग्लो दे देता है आपके फेस पे। बहुत ही अच्छा सा ग्लो दे देता है, बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो लगता है और बिल्कुल भी उस टाइप के पार्टिकल नहीं है जैसे कि बहुत ही हार्श होते हैं या समझ में आते हैं कि वो साइन कर रहे हैं, उस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आपका क्रीम है और ग्लो करता है बट बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है। और ये देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आया है फेस पे लगाने के बाद, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है फेस पे। और ये जो मैंने सूट पहन रखा है ये मेरा येलो एंड रेड की कॉम्बिनेशन में है और पूरे सूट में गोटा पट्टी से काम है। बहुत ही प्यारा सूट है, इसकी फुल पिक मैं आपको डालूंगी, आप देखिएगा। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, शायद 800 समथिंग का था। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, इसका लिंक मैं भी डाल दूंगी तो आप बिल्कुल से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद आज मैं फाउंडेशन के लिए शुगर की यूज़ कर रही हूँ और मेरा जो नंबर है वो है 10 लाटे। और लिक्विड फाउंडेशन कोई सा भी आप यूज़ करो उसको एक बार आप इस टाइप से मिक्स ज़रूर कर लें, क्योंकि क्या होता है जो लिक्विड फाउंडेशन होता है वो बैठ जाता है नीचे फाउंडेशन, ऊपर उसका लिक्विड आ जाता है। तो इस टाइप से करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन के हैं तो आपको ये फाउंडेशन बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। तो इसको भी मैं ले करके सिंपली, और ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया है जो कि मैंने पानी से भिगो करके इसको पूरा अच्छे से स्क्वीज कर लिया है और इसी से मैं पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी फाउंडेशन। और इसके बाद इसको मिक्स कर लूँगी पूरे फेस पे। मिक्स हो गया है और हो सकता है आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा वाइट लग रहा हो बट ये 5 मिनट बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा और फुल मेकअप के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बिल्कुल नेचुरल लाइट में ये बना रही हूँ तो इस वजह से बिल्कुल आपको रियल दिख रहा है इस फाउंडेशन का जो भी कवरेज एंड
जिस हिसाब से है, और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी, और ये कंसीलर के लिए ये मैं मेबलिन का एज रिवाइंड यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही हल्का सा लेके मुझको इसको यूज़ करना है। और इसको भी मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर से यूज कर लूंगी। सॉरी गाइस, मैंने कंसीलर यूज कर लिया था ऑफ कैमरा ही, और अब मैं इसको केवल सेटिंग कर रही हूँ। और ये सेटिंग के लिए मेरे पास एक्चुअली में कोई पाउडर ब्रश नहीं है, तो मैं यूज कर रही हूँ अपना कंट्यूरिंग ब्रश, और बहुत ही हल्का सा मुझको लेके केवल अपनी आईज के आसपास मुझको सेट करना है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अब मौसम में ठंडक हो गई है, ड्राइनेस हो गई है, तो ड्राई स्किन वाले अगर बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ कर लेते हैं तो फिर वो बहुत पाउडरी पाउडरी फेस लगने लगता है, और मुझे वो नहीं अच्छा लगता है इतना। तो मैं बस केवल इतना ही पाउडर यूज़ करूँगी जितने मेरा कंसीलर फिक्स हो जाए अच्छे से। दैट्स इट, और हो गया है, ये मैंने यूज़ कर लिया। इसके बाद मैं अपने फेस को कंट्यूर करूँगी, और कंट्यूर करने के लिए ये मैं शुगर की प्लेट ले रही हूँ, और ये बहुत अच्छा सा कंट्यूरिंग प्लेट है, काफ़ी अच्छा है, क्रीमी है, पाउडर फॉर्म में है बट क्रीमी है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और सॉरी गाइस इस खट खट के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ आसपास होता ही रहता है, क्या किया जाए। और कंट्यूरिंग आपको अपने फेस पे जरूर करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कंट्यूर करने से आपका फेस एक शेप पा जाता है, तो उससे मेकअप बहुत अच्छा लगता है और फेस भी आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो कंट्यूरिंग बहुत पसंद है, और मैं नोज़ में भी करूँगी, और नोज़ के लिए मैं ये फिंगर यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है नोज़ में फिंगर से बहुत अच्छे से हो जाता है, ब्रश से भी ज़्यादा अच्छा, या तो हो सकता है मैं कर ना पाती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट फिंगर से मुझसे बहुत अच्छे से नोज़ कंट्यूर हो जाती है, तो मुझको ज़्यादा अच्छा लगता है इससे। और कर लिया, दैट्स इट। इसके बाद मैं ब्लश लूँगी, और आज ब्लश के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सूट का कॉम्बिनेशन है वो येलो एंड रेड का है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पिंकी सा लुक लेके आना चाहती थी, एंड रेड का लुक लाना चाहती थी, तो इसके लिए ये मैं स्विस ब्यूटी की जो आई पैलेट है उसको यूज़ करूँगी, और इसमें मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी, ये हल्का सा रेडिश लग रहा है और शाइन भी कर रहा है, तो देखते हैं कैसा लगेगा। और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो बहुत ही संभाल के आप यूज़ कीजिएगा, मैं तो इसको कुछ ना कुछ करके कि क्या होता है ब्लश आपका नाइट पे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतना चिक नहीं होता है, बट अगर आप डे टाइम पे ज़्यादा ब्लश यूज़ कर लेते हैं तो वो आपका चेक होने लगता है, मतलब समझ में आने लगता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। बट देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, और कुछ इसी टाइप का मैं चाहती थी ब्लश, इसलिए मैंने यूज़ किया इसको, और थोड़ा सा और मैं इसको फिक्स करूँगी, तो ये मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है, कुछ भी चीज़ हो अगर आपको लग रही है कि मेरी एक्सेस हो गई है, सबसे अच्छा फॉर्मूला है ब्यूटी ब्लेंडर। क्या होता है इसको ले करके अगर आप थोड़ा सा भी फिक्स कर लेंगे अच्छे से, आपकी जो भी एक्सेस चीज़ होगी वो हट जाएगी।
और ये रहा, और इतना तो चलता है। और इसके बाद मैं ये शुगर की ही हाइलाइटर यूज़ करूँगी, और हाइलाइटर के लिए मेरे पास कोई ब्रश नहीं है, तो मैं वैसे तो मैं मोस्टली फिंगर से यूज़ कर लेती हूँ या तो ब्यूटी ब्लेंडर से, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, बहुत अच्छा सा ग्लो दे देता है। और जो ब्लश के लिए मैंने आई शैडो प्लेट यूज की, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं कर सकते हैं या क्या कैसे, क्योंकि इतने ब्लश हमारे पास नहीं होते हैं कि हम अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग या इस तरह से कुछ उस तरह का कोई डिफरेंट ब्लश यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। आई पैलेट में क्या होता है कि हमारे पास कई सेट हमको मिल जाते हैं एक आई पैलेट में, तो मैं तो मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। जब मुझको लगता है कि मेरा जो ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग मेरा ब्लश नहीं जा रहा है, तो मैं कर लेती हूँ। और आईज के लिए आज मैं एक्चुअली मेरी ड्रेस जो मैंने बताई येलो एंड गोल्ड पे है, तो मैं केवल अपना ये गोल्डन कलर का जो हाइलाइटर इसको यूज़ करूँगी, उसको सिंपल सा फिंगर से आपको यूज़ कर लेना है पूरी आईज़ में, और ये बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत ही सुंदर लगता है। और ये आपका गोल्डन बट ये आप येलो का टच देता है, इसलिए मेरे सूट से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेबलिन की प्लेट है, मैं आपको बता दूँ, ये लिप प्लेट थी उनकी, बट ये लिप्स में तो नहीं अच्छी लगी, मैंने एक दो बार ट्राई किया, बट आईज के लिए बहुत अच्छी है रियल में, ट्रस्ट में। और ये शायद 200 समथिंग की थी, और इसमें दो शेड मिल जाते हैं, ये आपका पिंक एंड गोल्डन, और मैंने इसका गोल्डन ही मोस्टली यूज़ किया है आईज के लिए, पिंक तो अभी तक नहीं देखा है, ट्राई करूँगी पिंक को भी कभी। ये मैंने मिला दिया, और ये मैं एक ब्रश ले रही हूँ जिससे मैं अपने आईज के कॉर्नर में भी लेके मिला सकूँ, क्योंकि क्या होता है फिंगर से लगाने में आईज में थोड़ा ज़्यादा लग जाता है इधर, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर है, मैं सच में बोलूं बहुत ही प्यारा, आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। लाइनर के लिए मैं लॉरियल की पेंसिल यूज कर रही हूँ, पेन पेंसिल, और इस आईज में भी लगाती हूँ। ये मैंने दूसरी आईज में भी लगा लिया, और मैंने अपनी आईब्रो नहीं सेट की थी, सो मैं उनको सबसे पहले सेट करूँगी, तो इसके लिए मैं ये स्टिक वेकर की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और सिंपल सा पहले फिल कर दूँगी पूरी अपनी आईब्रो को आगे, एंड हो गई है। अब मैं लास्ट में लिप कलर के रेड कलर की लिप कलर यूज़ कर रही हूँ, और ये शुगर की मिनी लिप कलर है, और जो मेरा शेड है वो 29 है, और ये बहुत अच्छा सा रेड कलर है, बहुत ही अच्छा सा है, मैट है, और मुझे मिनी लिप कलर बहुत अच्छी लगती है। ये रहा लुक, और अब इसके बाद ये मैं फिक्सर से फिक्स भी कर लूँगी जो मैंने मैक की जिसे प्राइम किया था, और
मेकअप फिक्स करने से दो फायदे होते हैं, एक तो आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, दूसरा क्या होता है आपके फेस पे एक ग्लो सा आ जाता है। तो आपको फिक्सर यूज़ करना चाहिए अगर आप लंबे टाइम के लिए मेकअप कर रहे हैं, और बहुत ही ग्लोबियस रहता है। और अब मैं ज्वेलरी एंड हेयर स्टाइल के साथ आती हूँ, तब मैं आपको फाइनल फिनिश लुक अपना दिखाती हूँ कैसा होगा। दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक, और ये मैंने रेड बिंदी एंड ये गोल्डन इयरिंग के साथ इसको पेयर अप किया है, एंड ये मैंने बंधानी दुपट्टा डाल रखा है सूट के साथ जो कि बहुत सुंदर जा रहा है, एंड हेयर स्टाइल बहुत सिंपल रखी है, बस टाई कर रखा है दोनों तरफ से, एंड ये मेरी चूड़ियाँ, और ये बहुत ही सुंदर लुक लग रहा है और बहुत ही सिंपल है। आप बिल्कुल से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और अपने करवा चौथ में अगर इसको इस लुक को ट्राई कीजिएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे पूरी आशा है आपको मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन में प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, जिससे कि जो भी मेरे नए वीडियो बने आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।